खेलों के व्यक्ति एवं राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। खेल के मैदान में नौजवान जीवन में नए लक्ष्य निर्धारित करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं और नए आयामों को छूकर राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। जंगल रोपा में शिव शक्ति युवक मंडल द्वारा आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता के शुभारम्भ अवसर पर APMC हमीरपुर के चेयरमैन अजय शर्मा ने ये शब्द कहे। उन्होंने कहा कि हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद अनुराग ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश में क्रिकेट को बुलंदियों पर पहुंचाया है। वहीं धर्मशाला में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम बनाकर इतिहास रचने का काम किया है। उन्होंने BCCI अध्यक्ष के रूप में हिमाचल प्रदेश को न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी नई पहचान दी है और अब अरुण ठाकुर BCCI के कोषाध्यक्ष के रूप में हिमाचल प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अजय शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश सरकार गांव में छिपी हुई प्रतिभाओं को नए अवसर प्रदान करने के लिए कृत संकल्प है और उस दिशा में निरंतर आगे बढ़ रही है। हिमाचल प्रदेश में खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण की सुविधा उपलब्ध है। हिमाचल प्रदेश के खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलों में प्रदेश का नाम रोशन किया है। इस अवसर पर अजय शर्मा ने युवक मंडल को अपनी ओर से 11,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि भी भेंट की। इस अवसर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष अश्विनी ठाकुर, आशु भाजपा हमीरपुर IT सेल के संयोजक नीरज शर्मा, शिव शक्ति युवक मंडल के अध्यक्ष अभिषेक कुमार, वीर गगन युवक मंडल के अध्यक्ष अक्षय ठाकुर, शुभम शर्मा एवं विभिन्न टीमों के खिलाड़ी उपस्थित रहे। खेल का मैदान व्यक्ति के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। युवा अवस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति के मन में विभिन्न प्रकार के विचार, आचार व्यवहार, ऐसी सारी चीजें सीखने की जिज्ञासा होती है और यही वह आयु वर्ग है जिसमें व्यक्ति आने वाले समय में नए नए लक्ष्यों को तय करता है। और आप भी इस प्रकार के खेलों का आयोजन यहां पर कर रहे हैं, मैं अपनी ओर से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, विशेषकर शिव शक्ति युवक मंडल के अध्यक्ष श्रीमान अभिषेक और इनकी सभी साथी जिन्होंने इस ग्रामीण परिवेश में इतनी सुंदर स्थान पर इस खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया है। और जिला भर से विभिन्न क्षेत्रों से कई टीमें इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाली हैं, मैं उनको भी अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। कोरोना के इस काल में खेलों का आयोजन करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती रहती है, लेकिन शायद क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसमें कोरोना काल में भी आप सामाजिक दूरी बनाए रख सकते हैं, क्योंकि एक टीम के रूप में खेलते हुए यहाँ पर सामाजिक दूरी का भी आप पालन करेंगे। और ये खेल एक ऐसा खेल है जिसमें सामाजिक दूरी के नियमों का जो है वो हम पालन कर सकते हैं। और मेरा सभी खिलाड़ी साथियों से भी अनुरोध रहेगा कि जहाँ सामाजिक दूरी का आप पालन करें, वहीं मास्क भी अपने अपने इसमें लगा करके रखें, ताकि किसी प्रकार की असावधानी से किसी प्रकार का कोई ऐसा कष्ट हमारे किसी युवा साथी को ना हो। और जहां तक खेलों के क्षेत्र में हर सरकार और हर नौजवान अपनी अपनी भूमिका में रहता है, सरकारें अपने स्तर पर खेलों को, प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने में प्रयास करती हैं और नौजवान साथी अपने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। जहां तक क्रिकेट की हम बात करें तो हमारे लोकसभा क्षेत्र के सांसद श्रीमान अनुराग ठाकुर जी ने हिमाचल प्रदेश में क्रिकेट को एक नई पहचान दी है। धर्मशाला के अंदर एक बहुत बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बना करके उन्होंने दिया है और छोटी सी आयु में ही उन्होंने जहां हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में काम शुरू किया, वहीं विश्व की सबसे बड़ी संस्था BCCI के अध्यक्ष के रूप में भी काम करने का अवसर उनको मिला और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन उन्होंने किया और हिमाचल प्रदेश को हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि विश्व में एक नई पहचान दी। इसके लिए भी हम आदरणीय अनुराग ठाकुर जी का बहुत बहुत धन्यवाद और उनको शुभकामनाएं देते हैं। भविष्य में भी अभी हमारे हमीरपुर जिला के ही श्रीमान अरुण ठाकुर जी आजकल BCCI में कोषाध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं
और उन्होंने भी आह्वान प्रदेश के युवाओं का किया है कि गांव ग्रामीण स्तर पर छुपी हुई प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए नए नए प्रयास जहां हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ कर रहा है, वहां प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश की सरकार भी गांव में छुपी हुई प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए नए नए कार्यक्रमों का आगाज कर रही है। लेकिन इसमें कुछ व्यवधान, कोरोना की महामारी जो पूरे विश्व में फैली, इसमें कुछ प्रतियोगिताओं के आयोजन में सरकारी स्तर पर, क्योंकि स्कूल कई महीनों से बंद हैं, कॉलेज कई महीनों से बंद हैं, जहां सांस्कृतिक कार्यक्रम बंद हैं, वहीं खेलों के बड़े बड़े आयोजन भी बंद हैं। लेकिन सावधानी पूर्वक इस शिव शक्ति युवक मंडल ने इस ग्रामीण क्षेत्र में इस प्रतियोगिता का आयोजन करने का संकल्प लिया। मैं आपके सफल आयोजन के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।